क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से हुए नुकसान को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजेश को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन जिलाध्यक्ष सुनील चौहान के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम भट्टियान बुजुर्ग नहर खेड़ी और अमलाता आदि में वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। गरीब किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई है। गरीब लोगों के कच्चे मकान धाराशाही हो गए हैं। उनको आवास की सुविधा दी जावे। डूब क्षेत्र के कुछ लोगों को अभी तक भी मुआवजे के प्लाट अलाट नहीं हुए हैं। नहर खेड़ी पुनर्वास में बिजली पानी की समस्या है, जिसका समाधान किया जाए। साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा देने और सुचारू राहत शिविरों की मांग रखी गई है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया आपने, किस संबंध में दिया, क्या मांगे आप किसमें? ये दोगावा रोड पे जो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई कसरा नाले के पास में, वो मोगावा रोड पे जो डाइवर्ट किया रोड वो भी खराब हो गया है। इसीलिए हमने आवेदन दिया है कि वो रोड को जल्द से जल्द बनाए और किसानों की परेशानियों को दूर करें। पूरे तरीके से वो ड्राइवर भी नहीं निकल पा रहे, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ, पूरे तरीके से वैकल्पिक मार्ग खत्म हो गया है बारिश की वजह से, और किसानों की फसलों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये आवेदन हमने यहाँ पे आए। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेंद्र पाटीदार मांगा। बाढ़ पीड़ित तो मैं, आप किस समस्या से जूझ रहे हो? हमें खाना वाना नहीं मिल रहा है और पानी चारों तरफ पैसे भर गया है गांव में। कुछ भी सरकार की शासन की सुविधा नहीं है। 8 दिन खाना दिया और बंद कर दिया। और हमें प्लाट भी चाहिए और मुआवजा भी चाहिए। 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया है, वो तो खा पी के खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो घर किसे बनाएंगे हम? बाकी लोगों को दिया नहीं। और अभी उन्होंने 50-50 किलो अनाज बांटा है, उसमें से आधों को मिला है आधों को नहीं मिला है, तो क्या खाएंगे? और टापू बन गया है पूरे गांव में। हमारे आंगन में पानी आ गया था पूरा, वो भरने में कितना टाइम था घर में? कोई अधिकारी गया था? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आता। अधिकारी आते हैं, वो सरपंच बनता रही, वो सर्वे की उन्होंने एक जगह पे बैठ के आधे लोगों को छोड़ दिया, आधों को कल खाने मतलब राशन मिल गया, आधों को नहीं मिला, आधे क्या खाएंगे? इसमें क्या सरपंच की बदमाशी है इसमें? तो मतलब तुम सर्विस लेते हो तो एक ही जगह पे बैठ के सर्वे करोगे कि हर घर में जाके सर्वे करोगे किसके घर में पानी घुसा है किसके घर में नहीं घुसा है? एक ही जगह पे बैठ के सर्वे की और उसमें से आधे उनको छूट गया, आधे उनको 50-50 किलो राशन मिला है, आधे उनको नहीं मिला है, वो क्या खाएंगे? सर्वे में आपके साथ क्या भेदभाव किया गया? हाँ, भेदभाव किया हुआ नहीं, भेदभाव हुआ इसलिए तो आए। कितने लोग है जो भेदभाव किया गया? सभी लोग, सबके साथ में ऐसा हुआ, सबके साथ में हुआ, साथ में सब ग्राम पंचायत का भट्टियान बुजुर्ग। क्या नाम लिखते हैं? अगर ये आज जो ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? हमें मुआवजा भी मिले, प्लाट भी मिले और जो 50-50 किलो राशन मिला है ना वो भी सबको मिले। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो क्या कार्रवाई करोगे आप? आंदोलन करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे हम तो। नहीं तो फिर कुछ भी करेंगे, आंदोलन करेंगे हम। क्या नाम लिखते हो? अंजू खेड़े। आज जो तहसील में ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में दिया गया है और क्या मुद्दों को लेकर की थी? आज जो ज्ञापन दिया गया है वो डूब प्रभावित लोगों के लिए दिया गया है। जो नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो 2002 में जो डूब प्रभावित का जो सिलसिला चल रहा था, तो आज भी अपनी तहसील के बल्कि पूरे ज़िले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है और मुआवजे के साथ साथ प्लाट अभी तक नहीं दिया है, तो जिसकी वजह से जो मुआवजा दिया और प्लाट दिए नहीं तो उन्होंने घर बनाए नहीं, और जब घर नहीं बनाए तो वो वहीं पे नदी किनारे रह रहे थे। अभी नर्मदा में जब बाढ़ आई तो सभी लोगों के घर बह गए, किसी के भैंस बह गई, किसी के गाय भैंस बकरा बकरी जो भी पशुधन था, जो भी आर्थिक रूप से गरीबों ने बेचारों ने कैसे कैसे करके 5000 रुपए की सेविंग रखी थी और सोने चांदी की रकमें थे वो सारी बह गई है, और अभी सिर्फ कागजी कारोबार पे प्रशासन सिर्फ काम दिखा रही है, अभी मुआवजा किसी को नहीं दिया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इन और जो किसानों की फसलें नुकसान हुई है उनका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और सर्वे करने के बाद उनको मुआवजा दिया जाए। तो इन सभी लोगों को सर्वे कर और उचित मुआवजा दिया जाए, यूँ नहीं कि लिपापोती की जाए, क्योंकि पूर्व में भी भट्टियान में 3-4 बार पानी भर चुका है और मुआवजा के नाम पे इनको 1500 रुपये दिए गए हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हो, आप सभी लोगों को पता है हमारी सरकार कैसे मांग है कि इनको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए और 2023 के हिसाब से सर्वे कर इनको प्लाट आवंटित अनुदान सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए। कुछ महिलाओं ने कहा है कि हमको अभी खाने की व्यवस्था भी सही नहीं है, बंद कर दिया है, या तो कुछ नहीं प्रशासन नहीं करेगा तो हम यहाँ मर जाएंगे, क्या कहना पड़ेगा? नहीं, अब उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अब आप यकीन मानो कि जिनके पास खाने को नहीं होगा वो तो मरने की ही बात करेगा। अभी सरकार का राहत शिविर चल रहा है लेकिन उसमें टाइम से खाना नहीं मिल रहा है और वो भी बंद हो गया है।
और जिन लोगों को राशन देना चाहिए उनको दे नहीं रहे 50-50 किलो, और दूसरों को राशन दिया जा रहा है सरपंच और मंत्री के द्वारा। इन गांव वालों का ऐसा कहना है, अधिक वर्षा होने के बाद में कम से कम अपने अपनी तहसील के 30-35 गांव है कसरावत के, बाकी अन्य बड़वा तक नहीं, इधर वहाँ तक बहुत सारे अनगिनत गाँव है, गाँवों की गिनती नहीं। इस बाढ़ के साथ साथ में अन्य खेतों के अंदर भी भारी नुकसान हुआ है जी, हेक्टेयर में नुकसान हुआ होगा लगभग। हेक्टेयर क्या पूरे, मतलब यहाँ से लेके आप यकीन मानो बड़वानी निसरपुर से लेकर के ओंकारेश्वर तक डूब गया तो कितना हेक्टेयर होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। क्या नाम लिखते हैं? सुनील चौहान, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।